हेलो दोस्तों, आप सभी का संतोष मैथ सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग समीकरण का हल जो है, कैसे समीकरण का हल होगा, किया जाता है हल, उसको जानेंगे आज। तो दिया हुआ है सवाल कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू दिया है 15, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो समीकरण में एक चीज़ जानिए कि बराबर के अगर इधर से या उधर से आप कोई भी चीज़ इधर उधर कीजिएगा, लाते हैं अगर कोई पद लाते हैं इधर से उधर, कोई भी संख्या इधर से उधर ले जाते हैं, तो वह चीज़ जो हो जाता है प्लस हो तो बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस जो होता है प्लस हो जाता है, गुना हो तो भाग हो जाता है, और भाग जो हो वो गुना हो जाता है। और इस चीज़ को हम लोग दोनों तरफ से पलट सकते हैं, भाग को गुना में बदल सकते हैं। तो इस चीज़ को जानना जरूरी है कि ये इधर से इधर जाए या इधर से इधर आए, दोनों तरफ से जो होता है ये चिन्ह जो है पलट सकता है, बदल जाते हैं। तो चलिएगा इसको लिखिएगा, 2x को रोकिएगा इधर, बराबर हो जाएगा 15 इधर है ऑलरेडी पहले से, और प्लस 5 जो है इधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10। 15 में से 5 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 10। इसलिए x बराबर लिखिएगा, अब यहाँ है 2 गुना x बराबर आ रहा है 10, तो इसलिए x बराबर जो होगा 10/2 हो जाएगा। अब कटा लीजिए, 2 × 5 = 10, तो बराबर कितना आ जाएगा 5, अतः आपका x का मान जो हो गया 5 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह माइनस है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के उधर माइनस जाता है तो प्लस हो जाता है, तो ये आपका 3x इधर रुकेगा, ये इधर जाएगा 12 + 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18। इसलिए x बराबर जो है 18/3 हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 6 मर्तबा कट जाएगा, अतः आपका x जो हो गया 6 के बराबर हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भाग में है 6 तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो इसको लिखेगा या 4x = 4 × 6 बराबर हो जाएगा 24। इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 24/4, 4 × 6 = 24 कट जाएगा, 6 मर्द में आपका 6 आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन है अगर 8x - 2 = 16 हो तो आपका x का वैल्यू कितना होगा, x का मान बताना है। तो इस समीकरण को आप हल करके बताइए और कमेंट में ये बताइए कि x का मान कितना होता है, तो प्लीज़ आप सब कमेंट कीजिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। और मेरा बनाया हुआ वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।